फिल्मोहर है मॉडर्न फैमिली की कहानी। फिल्म में परिवार की डोर शर्मिला टैगोर जोड़ेंगी। लंबे अरसे बाद एक बार फिर शर्मिला टैगोर अपने एक्टिंग का जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। और इस फिल्म में ना सिर्फ आपको मॉडर्न फैमिलीज की प्रॉब्लम्स दिखाई जाएंगी, बल्कि रिश्तों की डोर को कैसे संभालना है ये भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। गुलमोहर एक ऐसी फैमिली की कहानी है जिसमें आपको घर तो बड़ा दिखेगा लेकिन परवरिश छोटी होगी। एक तरफ जहां फिल्म रिलीज के लिए तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म का प्रमोशन भी जोर शोर से जारी है। मंडे मॉर्निंग मनोज वाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर का दिल्ली में ग्रैंड प्रमोशन हुआ, जहां पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट और डायरेक्टर एक साथ दिखे। लेकिन इस इवेंट की लाइमलाइट शर्मिला टैगोर ने बटोरी। मल्टी कलर साड़ी में शर्मिला सचमुच एवरग्रीन ब्यूटी दिख रही थी। इसी के साथ इस फिल्म के जरिए शर्मिला अपना OTT डेब्यू भी करने वाली है, जिसमें मनोज और शर्मिला का इंटेंस कन्वर्सेशन आपका दिल छूलेगा। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या कहना है शर्मिला टैगोर का इस फिल्म के इमोशनल सीन्स को लेकर। स्पीक दोज लाइंस ऑटोमेटिकली द परफॉर्मेंस कम्स, यू नो, हाफ द वर्क इज डन एंड लाइक आई से इशू इज बिहाइंड द कैमरा, सो देयर इज नो परफॉर्मेंस नीडेड, बट एवरीवन हैज दैट। सूरज मेड मी क्राई मेनी टाइम्स बिकॉज आई एम वेरी कनेक्टेड विद दिस जनरेशन, बिकॉज दिस जनरेशन डजंट नो वेयर दे आर गोइंग। यू नो, बहुत ऐसे हैं कि फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लव क्या है, शादी इज सच अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर द मनी इज कमिंग फ्रॉम, जॉब कहाँ है। आई कैन सी हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, वी ऑल मैट्रिक करने के बाद यू नो कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था। इसी के साथ OTT किंग मनोज वाजपेयी ने OTT के बूम पर बात की। एक्टर ने ना सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के एडवांटेजेस बताए बल्कि अपने को स्टार को अप्रिशिएट भी किया। Now you have films on OTT and there are so many OTT platforms, there are so many new directors finding jobs, they are raring to go, they are desperate to tell their stories, and for their own stories they want to meet the actors who are right for the characters. So Suraj, yes, you are right, Suraj coming in this time, growing up in this time, in his, you know, 20s in this time, he's at an advantage. He's a skilled actor. He's a talented actor. वही फिल्म के डायरेक्टर राहुल भी इवेंट पर मौजूद थे। डायरेक्टर ने मीडिया से बात की और फिल्म के टाइटल के पीछे का खास रीजन भी शेयर किया। I think so because such a beautiful word. You hear the word and you remember Gulzar Saab's songs to begin yeah. with, which brings a smile to your memory. It's very nostalgic. And there's some amount of mystery in the word, and it's very Delhi, because you know, you drive down the streets of Delhi in a particular season, you'd see the trees of Gulmohar blooming on either sides, which is so beautiful. So very early on, my co-writer and I, Arpita Mukherjee and I, we decided on the word Gulmohar because I love the flower and I love you know, Gulzar Saab's song Gulmohar Ghar Tumhara Naam Hota. I love that song. वेल, गुलमोहर रिलीज होने वाली है 3 मार्च को, तो अपने जरूरी शेड्यूल से वक्त निकालिए और इस फिल्म को देखिए और समझिए। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।